শৌচাগারে বোমা বিস্ফোরণে বনগায় এক কিশোরের মৃত্যু হয় সোমবার সকালে। আর এই ঘটনার পর বিজেপি সম্পর্কে যাত্রায় উপস্থিত হন জম্মু কাশ্মীরের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী কবিন্দর গুপ্তা। এই দিন তিনি বনগায় বক্সিপল্লিতে ঘটনাস্থলে যান। জঙ্গি উপদ্রুত রাজ্যের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে এই দিন প্রশ্ন তোলেন। তার দাবি, বাংলায় প্রায়ই এইভাবে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটানো হচ্ছে, বাংলার মানুষকে ভয় দেখাবার জন্যই এরকম ঘটনা ঘটানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন জম্মু কাশ্মীরের উপমুখ্যমন্ত্রী কবিন্দর গুপ্তা। दुखद घटना है जब सरकार इस प्रकार की सोच हो सरकार की, जो यहाँ पर जाति जाति को बांटने में लगी हो, तुष्टिकरण की नीति रखती हो और कोई कंट्रोल ना हो, तो इस प्रकार की सरकार को रहने का अधिकार नहीं, उसको इस्तीफा देना चाहिए। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले कई घटनाएं हो चुकी हैं। और आज इस प्रकार से एक बच्चे का चले जाना और किस परिवार के साथ किस प्रकार वो जिसका वो जीव जाता है उसको ही पता होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए, नहीं तो हमारे पास नहीं है, उससे जांच करवाएंगे कि सही क्या कारण है कि हर दूसरे चौथे दिन यहाँ पर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। ये सहन नहीं हो सकता, इस पर जल्दी संज्ञान लिया जाएगा। देखिए बता, एक अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए इस प्रकार की घटनाओं का करवाना, मुझे इन पर कहीं ना कहीं शक है कि लोगों में एक दहशत का माहौल, डर का माहौल बनाया जा रहा है।